हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कल हमने आर्टिकल्स के बारे में काफ़ी डिटेल में समझा था। आज हम बेसिक ग्रामर के लेसन टू में हम आपको बात करेंगे। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। दीज वर्ड्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। देर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी सेंटेंस लैंग्वेज में, सेंटेंस से ही हम हर बात समझते हैं। कोई भी सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग अलग तरह के शब्दों से बना। ये जो शब्द हैं ये उनके काम के बेस पर उनको नाम दिया जाता है। दीज वर्ड्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। जैसे नाम के लिए हम नाउन वर्ड का, नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच। आठ तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिससे एक सेंटेंस बनता है। हर एक वर्ड जो सेंटेंस में होता है वो इन्हीं एट पार्ट्स ऑफ स्पीच में से होता है। तो सबसे पहले हम नाम समझेंगे। कौन कौन से आठ प्रकार के आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फर्स्ट इज नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव। ये मैंने तीनों एक लाइन में लिखे हैं। उसका कारण ये है कि ये तीनों आपस में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? जो नाउन है वो नाम है, जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। जब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, तीनों फैमिलीज को हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बारे में उसकी कोई ना कोई विशेषता बताता है, या नाउन के बारे में कुछ और बताता है। अब आ जाइए नंबर फोर पे, वर्ब। फिर है एडवर्ब। ये दोनों भी आपस में जुड़े हैं क्योंकि वर्ब का मतलब क्रिया, एक्शन। जो भी एक्शन हो रहा होता है वो वर्ब कहलाता है। एडवर्ब जो है वो एक्शन के बारे में कुछ और बताता है। जैसे एक्शन है वर्ब, एक आप सेंटेंस से समझेंगे, शी वॉक्स। ठीक है, शी वॉक्स। अब वॉक्स वर्ड जो यूज हो रहा है वो वर्ब है। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या नाम है इसका? वर्ब। अगर मैं कहूँ कि शी वॉक्स स्लोली, तो वो चल रही है। किस तरह से? धीरे से। तो स्लोली वर्ड जो है वो एडवर्ब वर्ब के बारे में बता रहा है। वर्ब के साथ कुछ और उसका मीनिंग ऐड कर रहा है, इसलिए वो एडवर्ब कहलाता है। तो एडवर्ब यहाँ पे कौन सा शब्द हो गया? स्लोली। तो जो शब्द वर्ब को और क्वालिफाई करे या वर्ब के बारे में कुछ और हमें बताए, वर्ब को ही वो सप्लीमेंट करे, वो शब्द एडवर्ब कहलाता है। एक सिंपल सा मैंने आपको एग्जाम्पल। अब आ गया सिक्स नंबर पे, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस। ये तीनों मैंने अलग से रखे हैं। दोनों एक, दिस इज कॉल्ड फैमिली वन, दिस इज कॉल्ड फैमिली टू एंड दिस इज कॉल्ड फैमिली थ्री। ये तीनों फैमिलीज आपस में जुड़ी हुई हैं। प्रपोजिशन जो है वो नाउन के पहले लगता है और नाउन के बारे में, उसकी पोजिशन के बारे में, सेंटेंस में एक नाउन की दूसरे नाउन के साथ क्या पोजीशन है, क्या आपस में उनका तालमेल है, क्या उनका रिलेशन है, उसको उसके बारे में बताता है। प्री पोजीशन, प्री मींस बिफोर, पोजीशन मींस स्थान। तो किसके पहले स्थान रखा हुआ है? नाउन के आगे। कंजंक्शन, कंजंक्शन भी एक शब्दों का समूह है जो दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो क्लॉजेस को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ते हैं।
इंटरजेक्शंस ये सरप्राइज वर्ड्स होते हैं, हम इन सब के बारे में अलग से डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि जो सेंटेंस है वो एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट वर्ड्स से बनता है। ये वर्ड्स जो हैं ये उनके काम के बेस पे उनको नाम दिया जाता है। 8 प्रकार के स्पीच के पार्ट्स होते हैं, वो 8 प्रकार हमने 3 फैमिलीज में बांट दिए, 3 समूह में बांट दिए उनके काम के बेस पर और उनकी आपस की जो तालमेल है उसके बेस पर। तो हम ये देखेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये तीनों हमने एक फैमिली में रखे हैं। वर्ब, एडवर्ब एक फैमिली में रखे हैं, एक समूह में रखे हैं। प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शंस हमने एक समूह में। अब आपको जो समझना है वो आज के लिए हम नाउन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नाउन के कितने प्रकार हैं और वो क्या क्या काम करते हैं इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट नाउन, बिकॉज आपको मैंने बताया कि 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सबसे पहला नंबर नाउन का है। नाउन क्या है? इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये कॉमनली आप समझ सकते हैं इसको, किसी भी व्यक्ति या जगह या कोई वस्तु, इसमें किसी का भी नाम हो वो हम उसको नाउन कहते हैं। नाउन में पर्सन का एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, जैसे सरिता, नीमा, सुनीता एट्सेट्रा। प्लेस दिल्ली, आगरा, पटियाला, चंडीगढ़, एनी प्लेस, ठीक है। थिंग टेबल, चेयर, पेंसिल, फैन, कबर्ड, डाइनिंग टेबल, एनीथिंग, ओके, कटलरी, वॉट एवर, दीज आर द थिंग्स। देन देर आर वर्क्स ऑल्सो, सिर्फ इससे हमारे शब्द पूरे नहीं होते। कम्फर्ट, ऑनेस्टी, प्रिवेंशन, ये सारे शब्द वर्क से रिलेटेड है, ये भी नाउन कहलाते हैं। मेन जो नाउन है वो 2 तरह के हैं, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। देर आर बेसिकली ओनली फॉर बिगिनर्स, और भी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन और दूसरा है कॉमन नाउन। जैसे कॉमन में बॉय, यहां पे पीटर, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ये कॉमन नाउन। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। फॉर योर असाइनमेंट जरूरी है, आपको मैंने बोला है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट हो जाएंगे ग्रामर में। तो आज के जो भी आपने टॉपिक को समझा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स पूरे 8 जो हैं उसको आप अच्छी तरह याद कर लेंगे, और नाउन से रिलेटेड मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, 10 सेंटेंसेस लिखेंगे, उसमें 5 कॉमन नाउन यूज करेंगे और 5 प्रॉपर नाउन यूज करेंगे। तो ये आपका असाइनमेंट है फॉर टुडे, 10 सेंटेंसेस, 5 विद कॉमन नाउन्स, 5 विद प्रॉपर नाउन्स। तो ये आपके लिए आज के लिए, धीरे धीरे हम चलेंगे ताकि आपको बोझ ना लगे। जो हमने कल किया था उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। आर्टिकल्स आपने सीखे थे ए एंड दी, और ए एंड इंडेफिनेट आर्टिकल्स, द डेफिनेट आर्टिकल्स। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हर सेंटेंस शब्दों के समूह से बना होता है और हर शब्द अपने एक्शन के हिसाब से उसका नाम तय किया जाता है। तो हमने एक्शन के हिसाब से और उनकी जो विशिष्टता है, जो उनकी क्वालिटी है, उसके बेस पे हमने शुरुआत की है। तो नाउन
आज का पहला पार्ट ऑफ स्पीच है जो हम आपको समझा रहे हैं। बच्चों धीरे धीरे हम स्पीड भी पकड़ेंगे, अभी ये लेसन टू ही आपका चल रहा है, आगे जितने हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे सब लेसन टू में। तो हैव अ नाइस डे, बहुत आप लोग मेहनत करते हैं, और मेहनत करिए, यू विल बिकम परफेक्ट वन डे। हैव अ नाइस डे।